वाओ, कितनी सुंदर ड्रेस है। ये कमाल की है। ओ, ये बिल्कुल वही है जैसी मुझे चाहिए। हे, इसे मुझे दो। मैंने इसे पहले देखा था। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। मॉम, मैं आ गई। मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है। बेहतर होगा कि तुम बैठ जाओ। यहाँ चार कप्स क्यों हैं? क्या कोई आने वाला है? क्रिस्टी, ये जैक है, तुम्हारे नए डैड। ये अच्छी खबर नहीं है, लेकिन अभी तो और बुरा होने वाला है। और ये एशली है, तुम्हारी स्टेप सिस्टर। क्या ये वही लड़की है जो स्टोर में मिली थी? क्रिस्टी को बहन नहीं चाहिए। नाश्ता तैयार है। गुड मॉर्निंग एशली, ये रहा तुम्हारा मन पसंद सीरियल। दूध डालना मत भूलना ताकि तुम स्ट्रॉन्ग और होशियार बनो। क्रिस्टी, आ जाओ, अपने खाने के मजे लो। मॉम, मुझे और चाहिए। जरूर एशली। हे, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मेरे लिए इतना काफी है मॉम, शुक्रिया। लेकिन क्रिस्टी को आज बिल्कुल नाश्ता नहीं मिलेगा। ये अच्छी बात नहीं है। मॉर्निंग बहन, इसकी आदत डाल लो। अब मैं उनकी फेवरेट हूँ। ब्यूटी सैलून में जाना किसे पसंद नहीं। हटो क्रिस्टी, पहले मैं जाऊंगी। थोड़ी देर रुक जाओ हनी। आप कहती है तो ठीक है, शायद ज्यादा समय नहीं लगेगा। मॉम और एशली अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रही हैं। उनका मानना है कि आप सिर्फ एक ही बार जीते हैं। सुंदर बनना मुश्किल होता है और इसमें इतना वक्त लगता है कि आप सो भी सकते हैं। मॉम और एशली अब शाइन कर रही हैं। हम कुछ भूले तो नहीं? तो चलो चलें। रुको, क्रिस्टी का क्या होगा? और जाओ स्वीटी, सैलून बंद होने वाला है। तुम्हारे घर जाने का वक्त हो गया है। क्रिस्टी को आज कोई ट्रीटमेंट्स नहीं मिले। मॉम फोन क्यों नहीं उठा रही? वो उसे कैसे भूल सकती है? तो ये सब हो रहा है। वो कबाब में हड्डी बन गई है। ये सब एशली की गलती है। और क्रिस्टी बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। मॉम, क्या आप टैलेंट शो के बारे में नहीं भूल रही? मुझे एक नई ड्रेस चाहिए। क्रिस्टी, देखो ये बढ़िया लग रही है। इसे पहनकर देखो, ये बहुत पुरानी हो गई है। हर साल एक ही आउटफिट। क्रिस्टी, तुम कुछ सोचो। ठीक है, मुझे अब जाना होगा। मजे करो। मॉम, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए खुद ड्रेस बनाना चाहती हूँ। ये अच्छा आइडिया है एशली, तो चलो शुरू करते हैं। चलो यहाँ से काटते हैं और यहाँ लपेट देते हैं। एशली, तुम एक कमाल की डिजाइनर हो। हमने कर दिखाया। आखिर वो घड़ी आ ही गई। ये टैलेंट कॉन्टेस्ट कौन जीतेगा, एशली या क्रिस्टी? और क्राउन जाता है एशली को, उसके डिजाइन टैलेंट के लिए। ये मेरा क्राउन है। शायद जजेस को कोई गलत फहमी हो गई है। नहीं, जजेस कभी गलत नहीं होते। ये सब आपकी वजह से हुआ है मॉम। आप इस क्राउन के काबिल हैं। शुक्रिया हनी। ये सब कब खत्म होगा? एशली की आज साइंस क्लब की एक मीटिंग है। सीखने के लिए कितने सारे नए टॉपिक्स हैं, लेकिन पढ़ाई कितनी बोरिंग होती है। पार्टी कौन करना चाहता है? सुनो सब, मेरे साथ आओ ना। कौन कर सकता है? चलो थोड़े मजे करते हैं दोस्तों। होमवर्क बाद में भी हो सकता है। ये ठीक नहीं है। तुम्हें इसका पछतावा होगा क्रिस्टी। हमें कुछ बड़ा करना होगा। म्यूजिक बंद करो। क्रिस्टी, तुम अपनी बहन को पढ़ने नहीं दे रही। क्या तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती? सब लोग घर जाओ। बहुत बढ़िया एशली, अब जाकर पढ़ाई करो। क्रिस्टी, तुम बड़ी मुसीबत में हो। अभी मॉम को परेशान मत करो, वो काम कर रही है। लेकिन क्रिस्टी को एक जरूरी काम है। ये ब्रैंडन है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये दिखने में कुछ खास नहीं है। क्रिस्टी, मुझे लगता है मुझे चले ही जाना चाहिए। पर एशली को एक आइडिया आया। तुम दोनों लड़ते रहो, मैं अभी वापस आती हूँ। हाय, क्या चल रहा है? मुझे लगता है ये पहली नजर का प्यार है। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ जरूर, लेकिन पहले कुछ चीजें ठीक कर लेते हैं। तुम एक टॉपर स्टूडेंट की तरह दिख रहे हो। अब आखिरी चीज, अब मैं ब्रैंडन को मॉम से मिलवा सकती हूँ। ओप्स, चश्मे के बिना मुश्किल हो रही है। मॉम, मेरे बॉयफ्रेंड से मिलिए। ब्रैंडन और मैं एक साथ हैं। क्रिस्टी, अपनी बहन की तरह बनो। लड़कों को लेकर उसकी पसंद कितनी अच्छी है। मॉम,
मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती क्रिस्टी, तुम डेट पर जा सकती हो लव बर्ड्स। एशली ने हद पार कर दी है। मैं तुमसे परेशान हो चुकी हूँ, मुझे भी तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो क्रिस्टी। ये लो, ये मेरे बॉयफ्रेंड को चुराने के लिए। लेकिन एशली के पास एक सीक्रेट हथियार है। मॉम, क्या हुआ हनी? वो मुझे चोट पहुंचा रही है। जरूर वो तुमसे जलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये तुम्हारी बहन है, अब ये सब साफ करो। मॉम, शुरुआत उसने की थी, ये मेरी गलती नहीं थी। लेकिन मॉम से बहस नहीं कर सकते, बस सफाई करो। एशली, मुझसे पंगा लेने का नतीजा अच्छा नहीं होगा, और मॉम भी अब तुम्हारी मदद नहीं करेंगी। ये दोनों कुछ भी नहीं बांट सकती, आइसक्रीम भी नहीं। शुक्रिया मॉम। एशली, इसके बारे में सोचना भी मत। क्रिस्टी, ज्यादा आइसक्रीम तुम्हारी सेहत के लिए खराब है, मैं ये सारी खुद खाऊंगी। मुझे अकेला छोड़ दो, वो मेरी मॉम है और ये मेरी आइसक्रीम है। देखते हैं कौन क्या है। दोनों लड़ लड़ कर थक गई और दोनों को ही कोल्ड हो गया। क्या तुम बीमार हो लड़कियों? तुमने ज्यादा ही आइसक्रीम खा ली थी। तुम्हें मदद की जरूरत है, तुम्हें बुखार है। मॉम, मेरी तबीयत उससे भी ज्यादा खराब है, मदद कीजिए। हाँ क्रिस्टी, मैं यही हूँ। लेटी रहो और उठना मत। ये लो तुम्हारी दवाई, ये सही नहीं है। मॉम का ध्यान अब क्रिस्टी पर ही है। मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ, इसे पियो एशली, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। मेरा गला भी खराब है, मेरी तबीयत बहुत खराब है। शांत हो जाओ लड़कियों, तुम्हें सिर्फ कोल्ड हुआ है। लेकिन तुम कहती हो तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा देती हूँ। हम लगभग ठीक हो चुके हैं, अब बेहतर है, बेड पर लेटे रहो। मॉम और एशली में बहुत चीजें एक जैसी हैं, यहाँ तक कि उनके मनपसंद टीवी शोज भी। क्या यहाँ मेरे लिए जगह है? मैं भी देखना चाहती हूँ। नहीं क्रिस्टी, यहाँ मेरा बेयर बैठता है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए एशली। मूवी नाइट कैंसिल होती है, लेकिन प्लान फेल हो गया। मॉम और एशली अपने मनपसंद शो के बिना भी खुश है। क्या वो सो रही है? यहाँ तक कि उनके खराटे भी एक जैसे हैं। शायद मैं अपनी मॉम का प्यार वापस पा सकती हूँ। चलो काम पर लग जाए, चलो अलमारी की सफाई से शुरू करते हैं। क्रिस्टी को ये अच्छे से करना आता है, लेकिन एशली ने इसे ज्यादा अच्छे से किया है, इसलिए उसने ये राउंड जीत लिया है। लेकिन अभी खाना बनाने की लड़ाई बाकी है। एशली को एक दिलचस्प रेसिपी पता है और क्रिस्टी कुछ नया सोच रही है। वो बहुत ही क्रिएटिव कुक है। डिनर का वक्त हो गया है मॉम, ये बहुत टेस्टी लग रहा है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अलग है। और अब आर्ट कॉम्पिटिशन। एशली के अंदर नेचुरल टैलेंट है और क्रिस्टी अभी बस सीख ही रही है, लेकिन वो बहुत मेहनत कर रही है। क्या आपको ये पसंद आई मॉम? बहुत अच्छे क्रिस्टी, वाह, ये एक मास्टरपीस है। 3-0, एशली जीत रही है। क्या तुमने ये देखा क्रिस्टी? और ये रहा उसका इनाम, ये कुछ ज्यादा हो गया। ये कॉम्पिटिशन सही तरीके से नहीं हुआ। कल तक तुम स्टार थी और आज तुम्हें कोई नहीं पूछता। सब कुछ तैयार है, मैं सोच रही हूँ कि ये गिफ्ट किसके लिए है। मेरी प्यारी बेटी के लिए, जाहिर है कि ये एशली के लिए है। एक नया फोन, ये सही नहीं है। नहीं बहन, तुम्हें ये स्मार्टफोन नहीं मिलने वाला। चलो अब इसे पहले की तरह ही पैक कर देते हैं, कोई भी सबूत नहीं बचा। सरप्राइज क्रिस्टी, क्या ये सब मेरे लिए है? शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए है स्वीटी। मैं सोच रही हूँ इसमें क्या होगा। वाह, एक फोन, ये बस थोड़ा टूटा हुआ है। उसने बदला लेने के लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है कि वो उनकी फेवरेट बेटी है, एशली नहीं। क्रिस्टी, स्माइल करो। ओह, इसे देखकर दुख हो रहा है। मेरा ले लो, तुम बहुत अच्छी हो एशली। और मेरे पास नया वाला है, iPhone 13 Pro Max। ये मेरे पेरेंट्स मेरे लिए लाए हैं, तुम यकीन करोगी? एशली को फिर से ज्यादा अच्छी चीज मिली है। आपको कौन ज्यादा पसंद आई, एशली या क्रिस्टी? हमें कमेंट्स में बताएं।
और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें ट्रूम ट्रूम सेलेक्ट पर, कोई भी नई फैमिली स्टोरीज मिस ना करें।